तोड़ रही है, कहीं महिलाओं को टीवी तोड़ रही है, कहीं बर्तन तोड़ा जा रहा है। ये असंवैधानिक तरीके से जो अत्याचार हो रहा है वो अन्याय बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं औरतों को उठा ले गए कि हम चाहते हैं कि उस मामले का, उस घटना का उच्च स्तरीय जांच हो। उस जांच को में जो दोषी है उसको सजा दी जाए। उसके लिए हम लोग भी उस जो पुलिस वाले की हत्या हुई उसके प्रति हम लोगों की संवेदनाएँ हैं। हम लोग उसके मतलब उसके परिवार के दुख को गहराइयों से लेते हैं और हम लोग उसके परिवार को जो है एक तरह से जो है मतलब कर्जदार हैं कि हम लोगों के कार्यकाल को रोकने वाले लोग कुछ और थे, कार्यक्रम को रोकने वाले कुछ लोग और थे। उन लोगों ने जो जिस तरह से हमारे कार्यक्रम को रोका, अगर सही तरह से जिम्मेदारी वहाँ निभाई गई होती तो उनकी ऐसी स्थिति नहीं बनी होती। मीडिया के लोग बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दे रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं वो निषादों ने मारा, हम तो कह रहे हैं निषादों ने नहीं, मीडिया खुद चिल्ला करके कह रही है कि वहाँ उनका पैर जो है फंस किसी या घास में फंसा पैर या जो है किसी ठोकर लगा गिरे, उनका सर फट गया, रास्ते में ले जाते टाइम किसी पुलिस वाले ने उनका नाक और मुंह दबा करके जो हत्या की है, ऐसा IBP न्यूज़ की खबर है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जो है कि स्थिति में नियमता संविधान का को निगाह में रखते हुए प्रशासन वहाँ पे जांच करवा के और सही तरीके से वहाँ न्याय दिलाने का काम करे। वहाँ जो है कि हमारे लोगों के साथ तांडव होना बंद हो, नहीं तो सर हम लोग मजबूर होंगे, बाध्य होंगे आंदोलन करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में इस तरह से हमारे लोग एक प्रशासन को जो है ज्ञापन के माध्यम से जो है हम लोग चाहते हैं कि ये खबर जो है सबके संज्ञान में हो। ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग रात में उतर जाएं, दिन में उतर जाएं, लोग कहें कि हम ये निषाद जो है तांडव मचा रहे हैं, हम लोगों को वैसे ही अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल बनाया था। लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक आज तक भारत जब से आज़ाद हुआ आज तक कहीं भी प्रशासनिक तरीके पे गवर्नमेंट का एक भी पैसे का नुकसान निषादों ने नहीं किया। हमारे कई नेताओं की हत्या हुई लेकिन हम लोगों ने कभी रोड पर उतरने का काम नहीं किया। अब सर बर्दाश्त नहीं होगा, हम चाहते हैं कि उसकी CBI जांच हो। और जो मांग है जो सर आरक्षण वाला मझवार आरक्षण हम लोगों का जो है तो ज्ञापन कहाँ दे रहे हैं DM साहब हर जिले में जी कमिश्नर और DM साहब को देना था, मौके पर वो है नहीं। तो जैसे हम लोगों का शासनादेश जो है, आप शासन बिगाड़ना चाहते हैं या DM साहब किस तरह? अब यहाँ पर सर जो हम लोगों का निर्देश है पूरी 75 जिले में DM के माध्यम से, वो DM क्या करेंगे वो उनकी जान वो बताएंगे कि स्थित हालात क्या है। अच्छा। अम्बेडकर नगर या हर जिलों के हालात क्या है, कैसे हैं ये लोग, अब क्या करना चाह रहे हैं हर जिले में? जी हम लोगों का जो है मझवार आरक्षण 91 अनुसूची पर ऑलरेडी दर्ज है संविधान 21/12/2016 को माननीय हाई कोर्ट ने पिछड़ी जात से निकाल करके अनुसूचित जात का जो है, जैसा कि अभी मुख्यालय पे वो आदेश पड़ा हुआ है, आदेश दिया गया कि जो है मझवार आरक्षण का जो है सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जो है मछुआरों को लागू हो, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। उसकी मांग को लेकर के जो है हम लोग आए दिन जो है हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से और धरने के माध्यम से हमेशा अवगत करवा रहे हैं शासन और प्रशासन को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी बात को लेकर के जो हमारे लोग वहाँ गए थे, मोदी जी से कहने गए थे, मोदी जी को ज्ञापन देने जा रहे थे कि भाई आखिर हम लोगों को कोर्ट ने पिछड़ी जात से निकाल करके अनुसूचित जात में रखा, आखिर क्या रीजन है कि हम लोगों को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है? पिछले महीने हर विधायक को भी दे दिया और हम लोग बार बार जो है ये चीज़ कह रहे हैं, इस पर सर विशेष रूप से जो है कि ध्यान में रख करके जो है और हम लोगों का आरक्षण लागू कराने की कोशिश और जारी करें, और नहीं तो इसके लिए